आए हैं वहां से, जब हमारी टीम गई वहां बांग्लादेश, तो हमें बहुत प्यार मिला वहां के लोगों से। दुबई में माल जाता जा रहा है, कुछ 15 से 17 लोग दुबई से आ रहे हैं। उसके बाद राजेश भाई अपनी टीम को लेके गए थे यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां से भी कुछ 4 से 5 लोग आ रहे हैं। ये हमारी पहली पहल है, फर्स्ट टाइम हमारे जो जेमेंट ज्वेलरी शो है, हमारे PMIs हो चुके हैं, हमारा आभूषण हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम फॉरेन बायर्स हमारे शो के अंदर आ रहे हैं। मोर देन 100-125 फॉरेन बायर्स इस शो के अंदर रहेंगे। सिंगापुर से भी 3 से 4 अच्छे बायर्स हैं इस शो के अंदर। मैं कहना चाहूंगा आने वाले 6 मंथ जब हमारे 2 शो होने वाले हैं, हर साल हम 2 सर सामने हमको अभी 6 कंट्री से लोग आए हैं, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, लंदन एंड बांग्लादेश। 800 बूथ्स। सर आपने जैसे अनाउंस किया था कि नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपका ये टारगेट है 30,000 विजिटर्स का, 20 कंट्रीज हम कवर करेंगे। विजिटर्स 30,000 आएंगे, इंटरनेशनल 300। इस साल हमारे 10,000 प्लस विजिटर्स आएंगे। 30,000 का टारगेट है, हो जाएंगे। मतलब अभी 16,000 आफ्टर द एग्जीबिशन। 25 to 30 tons गोल्ड सेल्स होगा और 15,000 करोड़ पकड़ लिया। नहीं, वी आर फुल 100% फुल, वी हैव नो प्रॉब्लम डूइंग दैट। नो, बिकॉज वी डोंट हैव मोर हॉल्स। नेस्को ने इतने हॉल दिए, 2 हॉल्स। गवर्नमेंट से हमको देखो MSME सेक्टर से हमेशा सपोर्ट मिलता है। लास्ट टाइम ही हमारे को MSME सेक्टर से सपोर्ट मिला था। सब डिपार्टमेंट्स हमारे साथ हैं। हमारी सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना नहीं चाहिए। हमें यही चाहिए गवर्नमेंट से कि जो हम कर रहे हैं उसमें डिस्टर्ब ना करें। GST आने से बिजनेस बढ़ा ही है, हमारा टर्नओवर बढ़ा है, बिजनेस कम से कम 10-15% बढ़ा ही है। अभी मैं जाऊँ, अभी मेरे को GST डिपार्टमेंट वाले मेरे को बुला रहे हैं।